बेटा ये हमने उस दिन ऑपरेटर्स कर रहे थे, थोड़े से अर्थमेटिक ऑपरेटर किए थे एंड आई आस्क यू टू डू इट बाय योर सेल्फ ऑपरेटर्स। तो आपने किए बेटा ऑपरेटर्स खुद, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर किए बेटा? अच्छा, मैंने ऐसे प्रैक्टिकली आई डिड नॉट इम्प्लीमेंट देम, बट आई ओके डिड सर्च फॉर देम एंड आई हैव ओके डेटा ऑन दैट। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो आपके सी सी प्लस प्लस में आप करके आए हो या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ के आए हो, आप ऑलमोस्ट वैसे ही है बेटा। बहुत कम यस आपको सर, डिफरेंसेस नजर आएंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सॉर। इसके अलावा आपके शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, देन यू हैव लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ऐसे आपको काफी देखने को मिलेंगे ऑपरेटर्स बेटा, एक बार ट्राई करना। तो अब मैंने एक चीज बेटा पूछी थी, आई गेस इट्स बीन अ वीक नाउ, कि ये जो वैल्यू आई थी सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, क्या फर्क है बेटा इसमें प्लस प्लस ए में और ए प्लस प्लस? सर अगर ये कभी एक्सप्रेशन में लगा होता है ए प्लस प्लस, मतलब पोस्टफिक्स में, तो पहले जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जैसे ए की फिलहाल 90 है, तो वो एज इट इज एक्सप्रेशन में यूज होगी, एंड आफ्टर द एक्सप्रेशन इज डन फिर उसकी वो इंक्रीमेंट हो जाती है, एंड देन जो न्यू वैल्यू होगी 91 फिर वो आगे यूज होगी। लेकिन अगर प्रीफिक्स में होता है तो वो पहले इंक्रीमेंट होती है, देन एक्सप्रेशन में 91 जैसे वो यूज होगा फिर। ये चलेगा कुछ? इट वर्क? यस सर, ओके लेट्स सी। 182, सो या वर्क, ये कैसे वर्क किया? 182 कैसे आई? वैल्यू यहाँ पर लिख भी देते हैं, वैल्यू ऑफ सी इज वन एटी टू, जबकि वैल्यू ऑफ ए इज 92। कैसे चला बेटा ये? फिर जो पहले ए प्लस प्लस है उसमें ए की वैल्यू तो 90 ही रही, ओके उसके बाद जब प्लस प्लस हुआ, वो प्रोसेस हुआ, उसने इंक्रीमेंट किया, तो वो 91 तो हुई, पर वो अभी किसी ए में डली नहीं है, तो वो आगे गई, तो उसने प्लस प्लस पहले वो जब कॉन्कर हुआ तो वो दोबारा से इंक्रीमेंट हुई, मतलब पहले जो हमारी 91 थी वो इंक्रीमेंट होके 92 हुई, बाद में ए वेरिएबल में वो पुट होगी, मतलब ए उसको मिल गया, उसमें पुट होके 92 हमारी फाइनल वैल्यू ऑफ ए थी, और जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ 90 प्लस 92 दैट इज 182। ओके इट्स 90 प्लस 92, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, पोस्ट फिक्स पहले परफॉर्म होता है, ठीक है? बट जब असाइनमेंट के ऑपरेशन में होता है, ये परफॉर्म तो हो जाता है पहले, लेकिन वैल्यू ये वाली यूज होती है उस एक्सप्रेशन में, उस स्टेटमेंट में, असाइनमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो 91 चुकी है, बट यूज 90 ही होगी ये वैल्यू। अब 91 क्योंकि हो चुकी है, तो अब जब ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा तो 92 ही आएगी वैल्यू। इज इट ओके? इज इट ओके? पोस्ट यस सर, यस सर, फिक्स की बेटा प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, और प्रेसिडेंस का आपको ख्याल रखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही इवेल्युएशन होती है। और कोई ऑपरेशन बेटा जो आप कहो कि देखना चाहते हो आप? ये देखो, एक मैं ऑपरेशन आपको दिखाता हूं,
a greater than b, let's see what's the output of it. ये देखो क्या है, बूलियन वैल्यू आई, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं. Yes, sir. अगर a b से बड़ा है तो ऑपरेटर्स से ना बिल्कुल उसके अंदर दो ऑपरेटर्स से एक हमारा इक्वल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, बिल्कुल इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल दिखाता हूँ. ये देखो बेटा दोनों 40 है, 40 40, ए भी 40 बी भी 40, दोनों 40 40, तो ट्रू आना चाहिए. यस सर, यस सर, ट्रू आया. अब क्या आना चाहिए बेटा, अभी भी दोनों 40 40, लेकिन एक नंबर 40 एक स्ट्रिंग 40. ओके, मतलब वो टाइप को मतलब मैच करके देखेगा अगर हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे तो, और ट्रिपल इक्वल टू ये फॉल्स देगा. तो जो डबल इक्वल टू है इट जस्ट मैचेस द वैल्यू, वैल्यू बस मैच होनी चाहिए, वैल्यू बराबर है कि नहीं. जो ट्रिपल इक्वल टू है इट मैचेस बोथ द वैल्यू एंड द टाइप एज़ वेल. यस ओके सर, ऐसे ही बेटा डबल इक्वल टू की जगह पे नॉट डबल इक्वल टू भी होता है और नॉट इक्वल टू भी होता है, और एक ये भी होता है इट्स आल्सो नॉट इक्वल टू. इज इट ओके? यस सर. ये अलावा बेटा ये आपका एक ऑपरेशन होता है, देखते हैं क्या आउटपुट आती है इसको, टू आई है इसका. ठीक है, यस सर. इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं बेटा, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट राइट और लेफ्ट, सही शिफ्ट राइट है, राइट है. ठीक है, तो शिफ्ट राइट में बेटा क्या होगा, ये इसको उसको बिट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 8 बिट फॉर्म में, और शिफ्ट करता जाएगा बिट्स को राइट साइड में. कितनी पोजीशन, 4 पोजीशन, 4 पोजीशन शिफ्ट करेगा राइट साइड. ठीक है, ऐसे ही आपका ये लेफ्ट शिफ्ट होता है 640. Perhaps this is also an operation. थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 0 आया. ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट एक ऑपरेशन आपका ये ये है बिटवाइज और ऑपरेशन. 42 आंसर आया. ठीक है, बिटवाइज और बेटा ऐसे ही आपका ये बिटवाइज एंड 8 आया आंसर. ये आपका बिटवाइज एक्सॉर. ठीक है, यस सर, एक्सपोनेंट नहीं होता, ये बिटवाइज एक्सॉर है. और फिर आपने अब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक ये देखो ए इज ग्रेटर देन बी एंड 10 इज ग्रेटर देन, सो लेट अस तो ये भी बेटा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देगा. अभी ट्रू आया है. ठीक है, 40 कर देता हूँ, ये फॉल्स हो गया. लॉजिकल ऑपरेशन ये देखो, ये एंड है, ये और है. ठीक है, और जब आप एक टिल्ड का ये साइन डालते हो ये नॉट है, लॉजिकल नॉट है.
इज इट ओके? यस सर, यस सर। इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ और वर्किंग ठीक है, टाइप बता रहा है, वैल्यू ऑफ सी इज नंबर्स। और नाउ यू कैन सी कि यहां पर एरर आ रहा है, देयर इज एन एरर ओवर हियर, इट मींस कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो ये एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं चल रहा, नाउ इट इज वर्किंग फाइन। तो जब आपकी जावास्क्रिप्ट में बेटा कोई एरर आ जाता है तो वो वहां से आपकी स्क्रिप्ट चलनी बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो एरर आ गया, स्क्रिप्ट चलनी बंद हो जाएगी। इनकेस आपने फाइंड आउट करना है कि स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, तो वेट सेकंड बेटा, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कंसोल को लिख सकते हो। यहाँ पर आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे, एरर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। कैसे किया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये खुलेगा आपका और यहाँ कंसोल होता है, यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट के एरर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इज इट ओके? यस सर, यस सर। ये देखो बता रहा है आपको 8 नंबर लाइन पर प्रॉब्लम था, यहाँ यानी कि ये लाइन पे देखो प्रॉब्लम था। ऐसे ही टाइप ऑफ ऑपरेटर ही है ये बताता है कि इसकी आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है, ठीक है। साइज ऑफ नाम का कुछ नहीं है, जो हमने पहले चलाया था। इज इट ओके? यस सर, यस सर। करें आगे, करें ओके। नाउ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेटा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे आते। तो इफ एल्स, लैडर इफ, नेस्टेड इफ, सारी सेम चलती है बेटा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपकी ग्रेड प्रिंट करना चाहता हूँ। लेट सपोज इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो अलर्ट, ठीक है, विंडोज विंडो अलर्ट लिखो चाहे अलर्ट सीधा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टिंक्शन, ठीक है, एल्स अलर्ट नो डिस्टिंक्शन, रन करते हैं। वेट, स्टिल एन एरर ऑन लाइन नंबर, लाइन नंबर 11। ओके, मार्क्स मार्क्स को डिफाइन तो किया नहीं हमने, है ना, वो कर फिर लेट्स से मार्क्स 90 कर दिए। नाउ यू कैन सी इट इज प्रिंटिंग डिस्टिंक्शन, क्योंकि 90-75 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है 90 मार्क्स, तो डिस्टिंक्शन। अगर यही आप कम कर दो, नो डिस्टिंक्शन। इन केस आप चाहते हो कि एल्स चले ही ना, एल्स कुछ चाहते नहीं हो, अगर कंडीशन ट्रू है तो बस प्रिंट हो जाए, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। अब कंडीशन ट्रू कर देते हैं, इट इज प्रिंटेड।
अकेला इफ यूज कर सकते हो, इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा लेटर इफ भी यूज कर सकते हो, एल्स मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फर्स्ट डिवीजन। Else marks less than 60 greater than 50 equal to 50 that is second division। ठीक है, ऐसे या थर्ड डिवीजन भी कर सकते हो। लेट से 50 मार्क्स है, सेकेंड डिवीजन ऐसे ही करते थे बेटा, जावा में या सी में या सी प्लस प्लस में ऐसे ही चलता था। यस सर। और आप एल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं चली आपकी तो एल्स कर सकते। इज इट ओके? यस सर। और बेटा कौन सी होती थी? स्विच स्टेटमेंट, बाकी लूप्स होती हैं हमारे पास। पढ़ी है बेटा और आपने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट लूप्स होती हैं, लूप्स होती हैं, नेस्टेड देखते हैं पहले, कंट्रोल लूप स्टेटमेंट्स भी होती हैं, नेस्टेड देखते हैं, नेस्टेड देखते हैं, नेस्टेड देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। मार्क्स एक देखे जाएंगे, लेट्स सपोज दूसरा हम लेट्स से चीज देख लेते हैं, वो है क्वालिफिकेशन मास्टर्स। लेट्स बेटा अगर मार्क्स 75 है और उसके अंदर मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि अगर क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स के बराबर है, ठीक है, या कैटेगरी कर सकते हो, कैटेगरी लेट्स सपोज जीरो है इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो, अलर्ट हो कुछ, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, और एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये चीज नहीं चलेगी। तो चला के देखते हैं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि भी कंडीशन फॉल्स हो गई। लेट अस से मैं इसको कंडीशन को थ्रू करता हूँ, यू आर शॉर्टलिस्टेड आपका। अब दूसरी कंडीशन भी फॉल्स अगर कर देते हैं तो भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। पहले ये कंडीशन अगर ट्रू है फिर अंदर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, ये भी ट्रू है तो ये बॉडी चल पड़ेगी, अदरवाइज अगर कोई एल्स है तो ट्रू चलेगा। इज इट ओके? यस सर। इसके बाद बेटा स्विच स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं।
तो लेट्स से मेरा एक वेरिएबल है, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, कलर है ना। तो कलर आप लेट्स से रखते हो, कोई भी कलर रख लो, उससे ग्रीन स्विच कलर, यहाँ पर जरूरी नहीं आप कलर लिखो, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, रिमेम्बर जरूरी नहीं है यहाँ पर बेटा नंबर ही आएगा या कोई वेरिएबल ही आएगा, यू कैन राइट सम एक्सप्रेशन इन इट एज वेल, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से पी प्लस आर, ठीक है, पी कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है आपका। तो लेट्स से मैं कलर रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, मेक इट सिंपल। यहाँ पर आपके केस आते हैं, केस इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच करते होने चाहिए जो जो आ सकते हैं। तो लेट सपोज मेरा केस है रेड, तो यहाँ अलर्ट हो, योर फेवरेट कलर इज रेड, ठीक है। ग्रीन, लेट्स सपोज इसको रन करके देखते हैं, देखो ब्रेक भी लगा दो, ब्रेक की बड़ी इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। तो देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर, सर इसमें केस नंबर्स नहीं करते हम साथ में, सॉरी दोबारा बेटा, केस नंबर जैसे मैं आपको बताता हूँ वो सी प्रोग्रामिंग में होता है बेटा, लेकिन जो जावा प्रोग्रामिंग में होता है या अगर आप जावास्क्रिप्ट में करते हो, इट्स अ रिलेटिवली मोर पावरफुल लैंग्वेज देन सी प्लस प्लस। तो इसमें आपका क्या चीज होती है, सी प्लस प्लस में या सी में आप पढ़ते थे तो यहाँ पर आप एक इंटीजर लेते थे, फिर आप केस बनाते थे, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ती थी कि वन इज फॉर रेड, टू इज फॉर ग्रीन, थ्री इज फॉर दिस, फोर इज फॉर दिस। लेकिन ये आपके लिए एक फैसिलिटी देती है कि आप एक एक्सप्रेशन लिखो, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बेटा कुछ भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट नंबर में भी आ सकता है, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्ट्रिंग में भी आ सकता है। तो इसके एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जस्ट नॉट बाउंड टू इंटीजर्स नाउ, यस बेटा, वी कैन वर्क विद ऑल टाइप्स, यस यू कैन वर्क विद ऑल टाइप्स। तो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी ले सकते हो, नंबर्स भी ले सकते हो, राइट, और आप बूलियन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। और ये ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाते हो तो मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दिखाता हूं, मैच किया ग्रीन और अगला भी चल पड़ा। तो स्विच की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो केसेस को मैच करता है, पहले पहले केस को मैच किया तो ठीक है, फिर वो दूसरे केस को मैच करता है, जहां पर मैच कर गया बेटा उसके बाद ये समझता है कि इसके आगे ना ये सारा इसी ब्लॉक में है, तो वो सभी को रन करता जाता है और केस मैच नहीं करता, जहां पहला केस मैच हो गया वहां खत्म, इसलिए बेटा ब्रेक लगाना जरूरी है। और एक चीज आपने और देखी थी बेटा कि अगर ये कलर वो नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ अलर्ट नहीं हुआ। तो एक आपका डिफॉल्ट केस होता है कि अगर कोई केस ना चले तो डिफॉल्ट चले,
है कुछ ये इधर रेड नॉर ग्रीन नॉर ब्लू इधर ओके तो डिफॉल्ट चला सकते हो आप। अब मैं सपोज ब्रेक नहीं लगाता हूँ और डिफॉल्ट ऊपर रख देता हूँ मैच भी करवाता हूँ ग्रीन ठीक है तो अब क्या होगा बेटा मैच नहीं करवाता हूँ तो अब क्या होगा लेट्स सी ठीक है yes, सबसे पहले उसने केसेस मैच किए फिर उसने डिफॉल्ट चलाया और जैसे ही डिफॉल्ट चला यहाँ पर सारे मैच करते गए। अब मैं इसको ग्रीन के कर रहा हूँ तो ग्रीन मैच किया उसने और सिर्फ ब्लू आया नथिंग एल्स क्योंकि ग्रीन पहले उसने क्या किया पहले उसने रेड मैच किया नहीं किया तो उसने अगला केस मैच करने की कोशिश की ग्रीन मैच कर गया तो अब इसने सारी ये चला ऐसे तो डिफॉल्ट की पोजीशन बेटा जहां मर्जी हो डिफॉल्ट चलता लास्ट में ही है हमेशा ओके सर ये नहीं है कि आपने ऊपर रख दिया तो वो पहले चल पड़ेगा नो पहले हमेशा केस ही चलते हैं तो डिफॉल्ट जहां मर्जी रखो चलता ये लास्ट में ही ओके तो दो चीजें आपने सीखी होंगी आज ब्रेक का यूज डिफॉल्ट की पोजीशन और तीसरी ऑब्वियसली आपने जो मेन चीज सीखी है कि स्विच के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है और किसी भी टाइप का आ सकता है ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा राइट मतलब आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 10+15 या 10+50 और नीचे आप केस बना सकते हो आपकी मर्जी है बेटा इज इट ओके यस सर तो कल हम लूप से शुरू करेंगे बेटा उसके बाद कितना सफिशिएंट है आज के लिए ऑपरेटर्स yes, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स की है हमने स्विच और इफ सारे वेरिएंट्स यस सर बेटा प्रैक्टिस करना और इसके आपको 5 क्वेश्चन होंगे बेटा और मैं आज या कल तक आपके LMS पे अपलोड कर दूंगा 15 जुलाई से पहले पहले बेटा आपके प्रैक्टिकल फाइल तैयार होनी चाहिए A to Z 15 जुलाई सॉफ्ट सर वो भी स्क्रीनशॉट रखनी है क्या बेटा स्क्रीनशॉट नहीं रखनी है वर्ड फाइल बनानी है ओके जैसे प्रोग्राम भी हम डालते हैं ना नोटपैड में इसको कॉपी करो यस सर और वर्ड फाइल में पेस्ट करो जो जो प्रोग्राम आप बनाते जाते हो जो जो आपको गिवन है मैनुअल में यस सर कॉपी करो उसमें पेस्ट करो उसकी आउटपुट जो आती है बेटा उसको उसके पैरेलल पेज में पेस्ट करो सर हमारे पास फोन है ना ऐसे नहीं होता हमने स्क्रीनशॉट रखे हैं और उसके PPT बना के रखे हुए हैं जो आपका फोन है सपोज फोन है मान लेते हैं आपके फोन पर आपने कोड बनाया है बेटा ये देखो मेरे पास लैपटॉप स्क्रीन है लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कोड देखो मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है ये 15.5 इंच की स्क्रीन है और आपके फोन की 6 इंच की स्क्रीन में बेटा कितने स्क्रीनशॉट लोगे आप एक छोटे प्प्रोग्राम का भी कम से कम 5 स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे तो रेदर देन दैट आप उसको कॉपी करो आपके फोन में फैसिलिटी होती है बेटा टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की yes, sir. या वर्ड फाइल क्रिएट करने की होती है बेटा आपके पास WPS होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर सकते हो आप गूगल डॉक्स में कर सकते हो तो वहां पर पेस्ट करो रेदर देन टेकिंग स्क्रीनशॉट आप ब्राउजर के लो उसको वर्ड की वर्ड फाइल बनाओ सेव रखो ड्राइव में भी सेव रखो बेटा ये ना हो कि 15 तारीख को मेरे को आपने भेजने थे और 10 तारीख को आप बोलो कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया या मेरा मोबाइल खराब हो गया बैकअप रखो ऑन योर ड्राइव बनाने के बाद अब तक भी जितने बन गए उसका बैकअप रखो ताकि ये ना हो कि जब जावास्क्रिप्ट के बनाने आओ CSS और HTML वाले
डिलीट हो गए आपके सिस्टम में। तो आज आपने HTML के बना लिए उसका बैकअप रखो, CSS के बना लिए उसका बैकअप रखो, जितने भी प्रोग्राम बना लेते हो आप हफ्ते हफ्ते बाद उसका बैकअप बेटा जरूर रखो। सर यस बेटा सर जैसे हमने HTML के 10 प्रोग्राम्स किए अभी तक और CSS के आपने 10 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, एक वो करने हैं और जावास्क्रिप्ट के 5 ही दूंगा बस, सिर्फ 5 क्वेश्चन। ओके सर ठीक है। तो बेटा जो मोबाइल पर कर रहे हो आप भी बेटा कॉपी करो और गूगल डॉक्स में या WBS में फाइल्स बनाओ बेटा। मोबाइल वालों के पास भी बेटा इस लिमिटेशंस नहीं है, ये उनके पास भी वर्ड का एक्सेस है। तो स्क्रीनशॉट्स ना बेटा लो, वर्ड की फाइल बनाओ और उसमें हाँ ब्राउजर के स्क्रीनशॉट लेके जरूर आप। एम आई क्लियर? यस यस सर, थैंक यू। ओके तो मीटिंग बेटा एंड।